वैधानिक चेतावनी, इस कार्यक्रम में कही बात को दिल पर ना ले। जब हमने प्रोग्राम बनाने में दिमाग नहीं लगाया तो आप देखने में क्यों लगा रहे हैं? हमारा मकसद सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। मनोरंजन ना हो तो बुरा मान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले कोई पूछे तो बोल देना कि छेड़वाद, बहुत कर्मी हो खून में, तो आके मिले हमसे महीने जून में। दोस्तों, मैं हूँ घत्रुघ्न सिन्हा और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल धन ऑफिशियल स्कूप में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे घनिष्ठ मित्र अक्षय कुमार की आने वाली पिक्चर पृथ्वीराज के बारे में, जो कि एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई। क्या है पूरा मामला वो हम बताने से पहले आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि आज हम अपना मफलर लाना भूल गए। जाते हुए हमने अपनी बिटिया की चुन्नी ले आई। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज चौहान एक पीरियोडिक फिल्म है और भारत के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी के ऊपर ये फिल्म बनने जा रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला विस्तार से। तो हुआ ऐसा कि पृथ्वीराज के सेट पर करनी सेना के अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना अपने समर्थकों को लेकर के पहुंच गए और शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा। उन्होंने शूटिंग करते हुए लोगों के ऊपर आरोप लगाया और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के ऊपर आरोप लगाया कि फिल्म में फैक्ट्स और फिगर्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, और उन्होंने ये तक कह दिया कि फिल्म में हमारे पृथ्वीराज चौहान को एक लवर बॉय या आशिक के तौर पर दिखाया जा रहा है, जो उनकी वीरता का अपमान है और ये अनएक्सेप्टेबल है। जिस पर कि फिल्म डायरेक्टर चंद्र प्रकाश ने करनी सेना को ये बताया कि इस फिल्म में हम कोई फैक्ट्स और फिगर्स के साथ तोड़ मरोड़ नहीं कर रहे हैं और जो हिस्ट्री में है हम वही दिखाने वाले हैं। इस पर करनी सेना का कहना था कि आपने जो कुछ भी कहा है ये हमें लिखित में चाहिए। तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि फिल्म शूटिंग होने से पहले इनको पता कैसे चल जाता है कि फिल्म में दिखाने क्या वाले। ऐसा तो हमारी बिटिया ने भी नहीं बताया। हमें तो ये भी लगता है कि इसके करनी सेना में जरूर कोई डिटेक्टिव बम के पक्षी भी शामिल। तो आपको बता रहे कि वही करनी सेना साल धर ये क्या हो रहा है, ये बाल ऐसे क्यों हो रहे हैं बहरा। तो आपको बता दें कि वही करनी सेना जिन्होंने साल 2017 में आई फिल्म पद्मावत का विरोध करते हुए हमारे प्रिय मित्र संजू लीला भंसाली को एक लप्पड़ तक जड़ दिया था, जिस बात के मजे हम उनसे बात बात पर ऐसे ही लेते रहते हैं। गौरतलब है कि मामला इतना बढ़ गया था कि उस वक्त इस फिल्म का नाम चेंज करके पद्मावती से पद्मावत तक करना पड़ गया। इसके बाद जब फिल्म पर्दों पर उतरी तो लोगों ने इसे काफी सराहा और ये फिल्म साल 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इसके बाद करनी सेना ने जो भी झूठे आरोप लगाए थे वो सारे आरोप बेबुनियाद साबित हुए और फिर करनी सेना ने अपना विरोध वापस लिया। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये फिल्म दिवाली के मौके पर आने वाली है और ये यशराज के बैनर तले बनाई जा रही है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें बताइए। हमारी बिटिया की चुन्नी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये लॉक हो गया हमारा, ये लॉक हो गया। अरे चपड़ गंजो, इसको अनलॉक कर। आप करें, आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू।